महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यालय महापौर कक्ष में नगर निगम गोरखपुर के समस्त अधिष्ठान लिपिक एवं उनके प्रभारी अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें महापौर द्वारा उपस्थित सभी प्रभारी अधिकारी और लिपिक को निर्देशित किया गया है कि दीपावली पर्व निकट है, अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों, चाहे वह ठेके पर, संविदा अथवा स्थायी रूप से कार्यरत है, सभी का पारिश्रमिक भुगतान 3 नवंबर तक बिल प्रस्तुत कर भुगतान कराना सुनिश्चित करें। यदि इनमें किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो संबंधित के विरुद्ध दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, लेखाधिकारी अमरेंद्र बहादुर सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव के साथ ही साथ मैसर्स विशाल प्रोटेक्शन फोर्स, मैसर्स हिंदुस्तान सिक्योरिटी कंपनी के पदाधिकारियों के साथ सफाई व्यवस्था कार्य की समीक्षा की गई। महापौर द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों कंपनियों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जब नगर निगम द्वारा समस्त सफाई श्रमिकों का पारिश्रमिक आपके खाते में RTGS के माध्यम से प्रेषित किया गया है तो आपके कंपनी द्वारा उनके खाते में पारिश्रमिक क्यों नहीं दिया जा रहा है। यदि उनका पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाता है तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल और नगर मजिस्ट्रेट अजीत सिंह ने कहा, कल की तारीख में शाम की सर, और अभी तक नहीं कर रहा हूँ, उधर आपका यही कर्मचारी है। ठीक सर, आ ठीक सर, आ 5 बजे तक का मौका दे दीजिए इनको, अगर नहीं करते तो इनको बंद कर दिया। सिर्फ 8 वार्डों का दिया था लिस्ट, यही बाकी है ना, और तो मुरादाबाद से हो गया, ये 8 वार्ड ही बाकी हैं जो इन्हें कल दिया गया। हाँ, तो इसको बाकी वार्डों का कहा था, मुरादाबाद है आपको 1300 का मिला, 1300 कौन से कर्मचारी हैं, मैनुअल वेरिफिकेशन भी हो। जी सर, ठीक है, ये जाओगे थोड़ा भी कहीं मिलता है। जी सर, तमाशा बना कर दिए हो क्या, रोज लॉन्ड ऑर्डर हो रहा है, कुछ सब अधिकारियों को झेलना पड़ रहा है, थोड़ा तो जनता ट्राई ट्राई कर रहा है। अकाउंट अफसर हूँ, पिछले महीने में पहले हमारे को आई सर, तुरंत दे दिए थे हमने लड़के। अरे उससे क्या बात करनी है, निर्णय थोड़े लेगा, निर्णय तो आप लोग है ना सर। मैं बारे में कर्मचारियों को समझा रहा था, यहाँ बुलाया जा रहा है, आप समझा रहे हो कर्मचारियों को, आपसे कर्मचारी समझ रहे हैं तो हड़ताल हो। अच्छा, ये तो पेमेंट आप कर रहे हैं, ये जो होली वाला पेमेंट है, दिवाली वाला, ये दिवाली वाला पेमेंट बिल आप कब दे रहे हैं? आज शाम, आज दे देते हैं या कल दे देते हैं? आप 25 तारीख तक का बिल दे दीजिए। ठीक है सर, बिल देने पेमेंट में क्या है, पेमेंट तो हम एक बार कर ही देंगे, लेकिन बिल तो मिले सर 25 तारीख को तक का बिल कल तक दे दीजिए, आदि कीमत पर। सर मस्टोर मिल जाएंगे, बिल बना देंगे, मस्टोर हाँ मस्टोर दे देंगे, बिल मिल जाएगा, आप दीजिए। सर हाँ दीजिए दीजिए, सफाई कर्मियों को लेकर कुछ सैलरी को लेकर बातचीत हुआ है, ठेकेदारों से क्या निर्णय दिया गया है? आज कुछ कर्मचारियों का पैसा टेक्निकल फॉल्ट के वजह से उनके खाते में नहीं जा पाया था, जिसके कारण कुछ सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर कूड़ा जो फेंके थे, उस संबंध में एक मीटिंग बुलाकर सिटी मजिस्ट्रेट, अपर आयुक्त और कर्मचारियों से वार्ता हुई है, और आज के दिन यह निर्णय किया गया है कि आज उनके खाते में पूरा पैसा हर कीमत में पेमेंट होना है। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे संविदा के हैं,
या परमानेंट है, उनका दिवाली के पहले 3 तारीख तक हर कीमत पर उनका पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी इसमें लापरवाही करता है, किसी तरह के व्यवधान उपस्थित करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये निर्णय हुआ है, इस पर सहमति बनी है और ठेकेदारों को सीधा निर्देशित कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने भी कहा है कि इनको आज पेमेंट हर कीमत पर होना चाहिए और आज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मौके पे गए थे, वहाँ सफाई वफाई हो गई है, समझा दिया गया उनको, और जो प्राइवेट ठेकेदार इनको बुलाया गया है, ये लोग का आश्वासन दिए हैं कि आज शाम तक जो है सारा पेमेंट हम लोग कर देंगे। बाकी और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं अपन नगर आयुक्त साहब बैठ के जो है उसको सुलझा लेंगे। इन लोगों ने कहा शाम तक सारा पेमेंट कर देंगे, अगर नहीं करते हैं तो जो भी उचित कार्रवाई होगी नगर निगम के माध्यम से कराई जाएगी।